अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियम शहजाद का सलाम हो। आज हम आपको बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनाना बताएंगे, जो कि हाईवे स्टाइल की होगी। अक्सर हमारा जाना जो है वो हाईवे पे होता है, तो वहाँ पर हमें इस तरह की जो कढ़ाइयाँ हैं वो हमें मिलती हैं। तो चले वही रेसिपी और वही टेस्ट जो है हम घर में ला कर आपको बताएंगे कि किस तरह हम इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बोनलेस जो था हमारे पास 1 किलो के बराबर बोनलेस है। आप इसको बोन वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और 4 से 5 टमाटर हम लेंगे, हरी मिर्चें हम में डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, 2 अदद हमने ली हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधे कप के बराबर हमारे पास ऑयल है और साथ ही हमारे पास दही है जो कि हम 1 कप लेंगे। इसको हम फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। कुटी हुई लाल मिर्च है जो कि हम इसमें डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे, कम या ज़्यादा जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। काली मिर्च है जो कि कुटी हुई है, वो भी हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो हम डालेंगे। साबुत धनिया इसमें लेंगे हम, वो भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। और साबुत ज़ीरा हम लेंगे, वो भी हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें डालेंगे। साथ ही हम इसमें जो लहसुन और अदरक है उसको हम चॉप करके डालेंगे। इसमें हमें पेस्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो चले सबसे पहले जो हमने काम करना है वो करना है, हमने चिकन को हम कढ़ाई में डालेंगे, पैन में डालेंगे और उसका हम इसका थोड़ी देर इसको पकाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कढ़ाइयों में पानी का इस्तेमाल नहीं होता। तो हम इसको पहले हाफ कुक जो है वो हम कर लेते हैं, ऑयल डालेंगे और उसके बाद चिकन के थोड़ी देर के लिए हम इसका इसको भूनेंगे और कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर पैन में ऑयल डाल चुके हैं, साथ ही हम इसमें जो है चिकन डाल देंगे, इसको भून लेंगे। यहाँ पर चिकन हमने डाल लिया, इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ये चिकन बोनलेस है इसलिए जल्दी जो है तैयार हो जाता है। हड्डी वाले चिकन के साथ थोड़ी सी देर लगती है। हम इसको गोल्डन जो है होने तक, हम इसको गोल्डन कलर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। सिर्फ हम 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे। अब एक तरफ तो हमने चिकन को कवर करके रख दिया 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक जो चिकन बोनलेस है हमारा तैयार हो जाए। अब दूसरी तरफ हमने टमाटरों को काट लिया, साथ ही लहसुन और अदरक जो थी इसको भी हमने इसको काट लिया, और यहाँ पर हरी मिर्चें भी काट ली हमने। यहाँ पर जो चिकन था हमारा तैयार हो गया, अब हम इसको निकाल देंगे। और साथ ही हमने इसमें नमक जो था वो हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था, बाकी जो थोड़ा सा नमक है वो हम दूसरे मसाले में हम इसमें डाल देंगे। अब चिकन को हमने निकाल लिया और इसी पानी में हमें लहसुन और अदरक को जो है वो डाल देना है, और इसके बाद इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे, और इसके बाद हम इसमें टमाटर को डाल देंगे। अब यहाँ पर लहसुन और अदरक डालने के बाद हमने जो टमाटर थे ये हम इसमें डाल देंगे और इनको हमें इनको सॉफ्ट करना है टमाटरों को। अब यहाँ पर हमने चिकन के पानी में लहसुन अदरक जो थी वो डाल दी, साथ ही टमाटर डाल दिए, साथ ही अब हम इसमें मसालों को डालेंगे। कुटा हुआ साबुत धनिया जो हमने लिया था ये हम इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, कम या ज़्यादा जो है आप मसाले कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे, और नमक का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हमने शुरू में भी नमक जो था चिकन में डाल दिया था। ज़ीरा हम डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च जो थी ये हम डालेंगे, और साथ ही हम काली मिर्च जो है ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर जो था धनिया हमने डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, काली मिर्च हमने डाल दी, टमाटर डाल दिए, लहसुन अदरक जो थी वो डाल के अब इन सब चीज़ों को हमने टमाटरों के साथ हम इसको भूनेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही टमाटर जो है साथ साथ सॉफ्ट होंगे, साथ ही हम इसमें दही डाल देंगे। दही में हमने 2 टेबलस्पून जो था पानी डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से बीट किया था। ये देखें, अब हम इसको भी पकाएंगे, साथ ही हम इसमें चिकन को भी डाल देंगे। साथ ही दही के साथ ही हमने हरी मिर्चें भी डाल देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर जो था वो हमने इसमें शामिल नहीं किया था। हम इसमें देखें हरी मिर्च जो है ये हम शामिल करेंगे। अब हम देखें सब मसाले इसमें हमने डाल दिए, दही भी डाल दिया, चिकन भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी हमने डाल दिए, टमाटर भी डाल दिया, और तमाम मसाले भी डालकर अब हम इसको पकने देंगे, कवर कर देंगे, ताकि चिकन जो हमारा अच्छे तरीके से पक जाए और मज़ेदार सी हमारी जो कढ़ाई है ये तैयार हो जाए।
अब यहाँ पर हमारी ढाबा जो कढ़ाई थी हाईवे वो बिल्कुल तैयार है, टेस्ट में बहुत ही मज़े की है। अगर आप इसको यहाँ पर और थोड़ा सा ड्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी इसी तरह ही जो आँच है बंद कर देंगे, क्योंकि ये इस तरह बड़ी मज़ेदार जो है कढ़ाई हमारी तैयार हो जाती है। एक टीस्पून जो है हम इसमें लेमन जूस जो है वो डाल देंगे और इसका जो जायका है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। थोड़ा सा बटर भी अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी जो है पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी, किसी नई टिप के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इसको गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है कलरफुल है। अल्लाह हाफिज़।